लोग अपने काम से व्यस्त होकर घर आते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा सुकून मिले और जो सामान है उनके दरवाजे तक मिल जाए। तो ऐसे में ऑनलाइन बिजनेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और उसमें भी ऑनलाइन ग्रॉसरी का बिजनेस, हाय हाय हाय, मैं तो बोलूँगी इससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए चाहिए, नेसेसिटी है ना। और ये तो जब कोरोना हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, तब भी बंद नहीं हुआ था इसका काम, बल्कि सबसे ज़्यादा चला था ग्रॉसरी का काम, सबसे ज़्यादा चला फूड जॉइंट्स का काम सबसे ज़्यादा चला है, क्योंकि तमाम फूड जॉइंट्स, स्विगी, ये सब खुले हुए थे, आप फूड ऑर्डर कर सकते थे घर के लिए, तो ये तमाम चीज़ें खुली रही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऑनलाइन ग्रॉसरी का काम बहुत अच्छा है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। और जब आप विचार कर ही रहे हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया, और मैंने सोचा कि इसके तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, जो कि मेरा काम है और मुझे बहुत मजा आता है आपकी मदद करने में। तो अगर आप भी सोच रहे हैं ऑनलाइन ग्रॉसरी का बिजनेस शुरू करने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहे मैं क्या क्या लेकर आती हूँ आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस बनाती है, पूरी रिसर्च के साथ, कई सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो वीडियोस, इस तरह के वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं बिजनेस को लेकर। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। ध्यान से करें लोकेशन शहर का चुनाव। आपको सबसे पहले लोकेशन का चुनाव करना है। लोकेशन के आधार पर ही आप अपनी कस्टमर को अच्छी तरह से जान सकते हैं, उसी के अनुसार आप सामान रखें और मुहैया करवाएं, क्योंकि शहर और लोगों के अनुसार ही उनकी खरीदारी करने की आदतें भी अलग रहती हैं, इसलिए इसका सर्वे करना बहुत जरूरी है। फर्म की रजिस्ट्रेशन है जरूरी। अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलें, साथ ही पहले ही प्लान कर लें कि आप ये बिजनेस पूरी तरह खुद करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में। उसके हिसाब से एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर टैक्स रजिस्ट्रेशन आदि की बात करें। इसके बाद ही आप किसी बैंक में जाकर अपना बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं। स्टोरेज की जगह का चयन। ऑनलाइन सिस्टम में अगर आप स्टॉक किसी एजेंसी से सीधा ना भिजवा कर खुद भेजना चाहते हैं तो एक स्टोरेज जगह का चुनाव भी बेहद जरूरी है। अपने बिजनेस प्लान के अनुसार ही छोटी या बड़ी जगह का चयन करें, साथ ही कोशिश करें कि जगह ऐसी हो जहां आपको ज्यादा रेंट ना देना पड़े और सामान पूरी तरह सुरक्षित रहे। खुद की वेबसाइट बनाएं। बिजनेस प्लान बनाते ही आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी। आज के स्मार्टफोन के जमाने में वेबसाइट के जरिए आप आसानी से लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। किसी अच्छे वेब डेवलपर की मदद से आप ये कर सकते हैं। इसका खर्च 10 से 15 हजार तक हो सकता है, पर ध्यान रखें कि वेबसाइट ऐसी हो जिसको यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सके और आपके सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी उसमें अच्छे से दी गई हो। प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी वेबसाइट पर दें ताकि कस्टमर आप पर अच्छी तरह से भरोसा कर सके। सप्लायर और होलसेलर से संपर्क है बेहद जरूरी। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको सामान के लिए अच्छे सप्लायर और होलसेलर से बात करने की जरूरत होती है। ऐसे में ध्यान रखें आप स्टोरेज एरिया के आसपास ही किसी होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करें। इससे ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में भी कमी आती है और साथ ही समय भी काफी बच जाता है। इसके अलावा आप ऐसे सप्लायर से भी जुड़ सकते हैं जो आपको आपकी दुकान के लिए लगभग सारे सामान उपलब्ध करा दे। बनाएं एक मजबूत डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। किसी भी ग्रोसरी स्टोर के लिए अच्छी बात यह है कि ऑर्डर आने के बाद जल्द से जल्द सामान डिलीवर करवा पाएं। इसलिए आसपास के एरिया से ही लड़कों को डिलीवरी के लिए चुनें ताकि उन्हें एरिया की जानकारी रहे और डिलीवरी आसानी से हो सके। किसी भी बिजनेस को मजबूत रखने के लिए डिलीवरी सिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आजकल समय की मांग है कि आपकी कस्टमर सर्विस सेवा भी बहुत अच्छी हो और तेज हो। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर कस्टमर के शिकायत दर्ज होते ही समाधान बेहद जरूरी है, इसलिए अच्छी तरह से बातचीत करने वाले लोगों की अच्छी सी टीम होना जरूरी है। पेमेंट करने के ऑप्शन। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अपनी वेबसाइट पर रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग कैश का इस्तेमाल पहले के मुकाबले कम ही करते हैं। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे आदि सभी का ऑप्शन रखें। ध्यान रहे इसके लिए आपको पेमेंट गेटवे कंपनी को चार्ज देना होगा। इन सब के साथ ही आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना ना भूलें। बिजनेस के प्रचार का तरीका। आप यदि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से जुड़ना चाहते हैं, आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप अपने बिजनेस और वेबसाइट की एड सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अपने बिजनेस के आकर्षक पेज बनाएं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने की डील दे सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी बिजनेस को शुरुआत में बढ़ाने के लिए सही तरह से एडवर्टाइजिंग करना बेहद जरूरी है। मार्केटिंग है जरूरी। शुरू में आपको सही तरह से मार्केटिंग करना बेहद जरूरी है। शुरुआत में आप किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। कुछ मार्केटिंग तरीके जो आप अपना सकते हैं वे हैं,
शुरू शुरू में मार्केटिंग के लिए बीच बीच में सेल आदि का आयोजन कर सकते हैं। त्योहारों के समय ऑफर आदि देना ना भूलें ताकि आप नए कस्टमर तक पहुंच बना सकें, ग्राहकों की संख्या में काफी वृद्धि हो पाए। आप अपने रेगुलर कस्टमर के लिए कूपन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं जिसकी सहायता से उन्हें छोटे छोटे ऑफर दे सकते हैं। शुरुआत में बहुत मुनाफा कमाने की ना सोचें, अभी आपका टारगेट कस्टमर बनाना है इसलिए कीमत बाकी दुकानों की अपेक्षा कम रहे ताकि आपके पास अधिक ग्राहक आ सकें। आप अपने ग्राहक को बनाए रखने के लिए फ्री होम डिलीवरी आदि का ऑप्शन भी दे सकते हैं। आगे चलकर आप अपने बिजनेस के लिए चाहें तो ऐप आदि भी बनवा सकते हैं ताकि कस्टमर और आसानी से ऑर्डर दे सकें। कब कर सकते हैं आप लाभ की उम्मीद? किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस को सेट करने के लिए भी आपको लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। साथ ही आप अगर छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप मात्र 1 लाख रुपए से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, आजकल के लाइफस्टाइल में इस तरह के बिजनेस का चलना आसान है क्योंकि ये लोगों का टाइम और मेहनत दोनों बचाता है। हालांकि इस बिजनेस में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, पर ये भी याद रखें कि ग्रोसरी की मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली है, कभी कम नहीं हो सकती, इसलिए ये बिजनेस आपको फायदा देगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।